अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। मैं हूँ हजी और आप लोग देख रहे हैं टेक्निकल रुजी यूट्यूब चैनल। आज जो है मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूँ कि अगर आपका मोबाइल स्लो है, जिस तरह आप लोग देख सकते हैं सिस्टम अपडेट में मोबाइल का जो सॉफ्टवेयर है सिस्टम है वो मैं अपडेट कर लेता हूँ, ठीक है। तो किस तरह से कर लेना है तो आप लोगों को सिंपल क्या कर लेना है, अगर अपडेट आप नहीं कर लेते तो आपका मोबाइल में नेट जो है वो बिल्कुल स्लो काम कर लेता है। आपके पास GB सब कुछ नेट भी हो लेकिन वो स्लो काम कर लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आप लोगों के पास देख सकते हैं मेरा जो है अभी अपडेट हो रहा है, लेकिन मैं सोचा कि इससे वीडियो बना के आप लोगों के साथ शेयर करूँ, क्योंकि आप लोगों को पता नहीं है, तो बहुत ज़्यादा लोगों को पता भी है लेकिन कुछ को पता नहीं है, तो मैं सोचा कि वो भी इससे फ़ायदा उठा सके, ठीक है। तो वो भी अपना मोबाइल अपडेट कर सकते हैं, तो ठीक है। आप लोगों को सब आप दोस्तों को क्या कर लेना है, सिस्टम सेटिंग में जाना है, ठीक है। जब सेटिंग में आप जाएंगे तो आप लोगों को सबसे नीचे आप लोग देख सकते हैं सबसे नीचे सिस्टम, ठीक है। सिस्टम में एक ये सिस्टम नेगेटिव सिस्टम अपडेट अबाउट के साथ आपको एक टॉप अप पफ का निशान दिखाई दे रहा है, तो फोन लैंग्वेज इनपुट ये सब कुछ जो है वो अपडेट हो जाएगा, ठीक है, ऑटोमेटिकली। ये थर्ड पार्टी का सॉफ्टवेयर नहीं है, ये जिस जो भी मोबाइल आप यूज़ कर लेते हैं उसी मोबाइल का जो है खुद का सॉफ्टवेयर, वो हर साल नया सॉफ्टवेयर लॉन्च कर लेते हैं, ठीक है, अपने मोबाइल के लिए। तो आप लोगों को सिंपल इस पर क्लिक कर लेना है, आप लोगों को सिंपल इस सिस्टम पर क्लिक कर लें जिस तरह मैं कर लेता हूँ, ठीक है। जब आप इस सिस्टम पर क्लिक करेंगे तो आप लोगों के सामने इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा, जिस तरह ये आप लोग हमारे मोबाइल में आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। तो इसके बाद आप लोगों को क्या कर लेना है, आप लोग को दिखाई दे रहे ये एक आप ऊपर आप लोगों को दिखाई दे रहे एक हाँ अबाउट फोन और सिस्टम अपडेट, ठीक है। सिस्टम अपडेट के सामने आप लोगों को एक दिखाई दे रहा है, तो आप लोगों को सिंपल क्या करना है, इस पर क्लिक कर लेना है, ठीक है। जब आप इस पर क्लिक करना है तो हमारे मोबाइल में जो पहला वर्जन था ये नीचे वाला था, ठीक है। करंट वर्जन JKML X2 8.20 ये वाला था, नीचे वाला था। अभी जो मैं नया वर्जन 2020 है मैं इसको अभी अपडेट कर रहा हूँ, तो ये वाला वर्जन है, ठीक है। आप लोग देख सकते हैं ये 48% अपलोड डाउनलोड हो चुका है, ठीक है। सिस्टम अपडेट जो है वो 48% हो चुका है, लेकिन मैं सोचा कि मैं इसी वीडियो बनाऊं और आप लोगों के साथ शेयर करूं, जिसको पता नहीं है कि किस तरह से जो है ना मोबाइल सॉफ्टवेयर जो है वो किस तरह अपडेट होता है या मोबाइल सिस्टम अपडेट किस तरह होता है, तो मैं सोचा आप लोगों के साथ शेयर करूँ, ठीक है। तो ये इसका जो है पूरा डिटेल इसमें लिख कर आप लोग देख सकते हैं, नीचे आप लोग स्क्रॉल डाउन करो तो नीचे आ जाएंगे, तो पूरा जो है ना वो जो भी ये सॉफ्टवेयर आप लोग को नया कुछ देता है तो ये सब कुछ लिखा है इसमें, ठीक है। अगर आप लोग पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ लें, अगर नहीं पढ़ना चाहते तो डायरेक्ट जो है ना अपना मोबाइल का मोबाइल सिस्टम जो है वो अपडेट कर सकते हैं इधर से, तो बहुत ही आसान है। लेकिन आप लोगों के साथ जो है ना नेट बिल्कुल अच्छा होना चाहिए, क्योंकि ये अभी जो नया वर्जन मैं अपडेट कर रहा हूँ अपने फ़ोन का, तो ये 3 GB के ऊपर 3.27 GB ये इतना नेट जो है ना वो खा लेता है, ठीक है। तो अगर आपके साथ 1 GB 2 GB है तो ये डाउनलोड नहीं होगा, जितना भी 1 GB 2 GB पर डाउनलोड होगा तो उतना ही होगा और बाकी जो है वो उधर ही रुक जाता है। तो आप लोगों के साथ जो है ना नेट जो है वो ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है। ये 3 GB का नेट जो है ना वो कालेगा। अभी 49% हो चुका है, 49% अपडेट हो चुका है और 51% अभी बाकी है। तो मैं सोचा चलो इससे वीडियो बनाओ और आप दोस्तों के साथ शेयर करो, क्योंकि जिसको पता नहीं है तो वो उससे कुछ जो है ना अपना मोबाइल का जो सिस्टम है वो अपडेट कर सकते हैं। तो सिंपल आप लोगों को क्या कर लें, मैं बैक जाता हूँ आप लोगों को एक दफ़ा फिर बता देता हूँ आप लोगों को क्या कर लेना। अगर आपने अपडेट नहीं किया तो आप लोगों को सिंपल क्या करना है, सेटिंग में सेटिंग बंद जब आप ओपन कर देते हैं, सेटिंग जब आप ओपन करें तो नीचे आप लोगों को एक जो है ना ये सिस्टम
सिस्टम के साथ आप लोगों को ये रेड कलर में जो एक दिखाई दे रहे हैं वन, ये दिखाई देगा आपके मोबाइल, आप लोग आप दोस्त आपके मोबाइल में, ठीक है। तो आप लोगों को इस पर क्लिक करना है, इस पर जब क्लिक करेंगे तो इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा, ठीक है। तो इंटरफेस आ जाने के बाद आप लोगों को दिखाई दे रहे हैं ऊपर लिखे अबाउट फोन सिस्टम अपडेट, तो आप लोग क्या कर लेने सिस्टम अपडेट पर क्लिक कर लेने। सिस्टम अपडेट पर जब क्लिक करेंगे तो आप लोगों को ये रेड कलर जो है न्यू वर्जन, आप लोगों को सिंपल न्यू वर्जन पर क्लिक कर लेना है। न्यू वर्जन पर जब क्लिक करेंगे तो ये डाउनलोड स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। अभी तो ये 50% हो चुके हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को इस वीडियो से ज़रूर कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, अगर हो सके तो आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हो सके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाने, क्योंकि हम इस तरह की वीडियो जब अपलोड कर लेते हैं तो आप सभी को सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाता है। तो फिलहाल इतना ही, मुझे इजाज़त दीजिए, फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।